हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टुगेदर। दिस इज माय वेरी फर्स्ट वीडियो, सो मैंने सोचा कि अपने यूएस के अपार्टमेंट टूर से ही स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं अटलांटा जॉर्जिया में रह रही हूँ एंड यू कैन सी कि कितना ब्यूटीफुल सनी डे है। मूविंग टूवर्ड्स, यू कैन सी यहाँ पे एक एग्जिट गेट और दो एंट्रेंस गेट्स हैं। यहाँ पे इंडिया की तरह वॉचमैन नहीं होते हैं, यहाँ पे हर अपार्टमेंट के अपने यूनिक कोड्स होते हैं एंड एक कार्ड होता है जो आपको अपार्टमेंट प्रोवाइड करती है। सपोज़ आपका जो कोड है वो XYZ है, तो आप XYZ प्रेस करोगे, आपके नंबर पे, I mean जो ओनर है उनके नंबर पे कॉल आएगा, नंबर प्रेस करना होगा एंड गेट विल बी ओपन। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये लीजिंग ऑफिस है। इनिशियली मैं यहाँ पे नहीं आई थी, मुझसे पहले कुंदन यहाँ पर आया हुआ था। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आपसे लेते हैं और फिर ये आपके अपार्टमेंट की टूर करवाते हैं और फिर अगर आप यहाँ पे रेंटर्स हो तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं। ये एक और गेट है जहाँ पर आप कार्ड से भी एंट्री कर सकते हो। ये हुई मेरे अपार्टमेंट में एंट्री। यहाँ पर आप देख रहे होगे एक लेफ्ट साइड एंड राइट साइड है, तो पहले हम लोग राइट की तरफ चलते हैं। हमारे अपार्टमेंट में दो पूल हैं, ये रहा फर्स्ट पूल। यहाँ पे बगल में एक टेनिस कोर्ट है जहाँ पे लोग यूजुअली क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस वगैरह खेलते हैं अपने इवनिंग टाइम पे, जो भी जैसे भी फ्री हो। साथ ही पूल से अटैच्ड ये कॉमन लॉन्ड्री रूम है। जिनके रूम में लॉन्ड्री नहीं है, मतलब यहाँ पे बेसिकली वॉशर और ड्रायर दो अलग अलग सेटअप्स होते हैं, तो जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे इंसर्ट का है, यहाँ पे आप कार्ड इंसर्ट करोगे। कार्ड बोलिए तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं, जो यहाँ पे अपार्टमेंट का कार्ड होता है आपको याद होगा जिसके थ्रू हम लोगों ने गेट खोला था, या फिर कॉइन, आप उनके थ्रू भी इन चीज़ को यूज़ में ले सकते हो। And this is our society. Have a look. ये जो सामने आप अभी ट्री देख रहे हो ना, ये यहाँ पे स्प्रिंग सीजन में ही ऐसे कलर्स के होते हैं, वरना अभी मिड अगस्त या सितंबर आते आते ये काफ़ी फेड हो जाएंगे और एक टाइम के बाद मतलब नवंबर आते आते यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता, बिल्कुल सन्नाटा होता। वो कांटे वाली पेड़ दिखती हैं यहाँ पे। फिर इतनी ग्रीनरी तो मैंने यहाँ पे ही देखी है। अपने इंडिया में तो आजकल इतने बिल्डिंग्स, हाई बिल्डिंग्स बनाते हैं कि डिफॉरेस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे बिल्डिंग्स होने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है। फॉरेस्ट एरिया, ग्रीन एरिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूएसए में है। ये अपार्टमेंट का जॉगिंग ट्रेल है, यहाँ से आप सबसे बेस्ट व्यू नेचर का ले सकते हो। और सामने जो आप देख रहे हो ये BBQ सेक्शन है। हमारे अपार्टमेंट में सब जगह बैकयार्ड में बेसिकली BBQ सेक्शन रहते हैं और एक स्विंग या सिटिंग सेक्शन रहते हैं जहाँ पे आप अपना बारबेक्यू करें और एंजॉय करें। और ये रहा हमारे अपार्टमेंट का सेकंड पूल। और
और इससे ही अटैच्ड ये रहा एक किड्स प्लेग्राउंड। और ये मेरे अपार्टमेंट का जिम एरिया है। पता नहीं आपने नोटिस करा होगा या नहीं, बट यहाँ के रोड इतने क्लीन होते हैं। तभी आपने देखा होगा यहाँ की मूवीज में बंदे हैं ना शूज पहन के बेड पे लेट जाते हैं, और हमारे यहाँ पैरों में गोबर लग जाते हैं अगर बेड में, तो दूर की बात है घर में एंट्री नहीं करते अपन शूज पहनकर। ये मेल सेंटर है, यहाँ पे कोई पोस्टमैन वगैरह नहीं आते। यहाँ पे लॉक एंड की सिस्टम है। आपने देखा होगा अभी कुंदन ने वहाँ पे कुछ पेपर्स डाले थे, तो इनकी कीज हमारे पास होती हैं। और यहाँ पे टाइम टू टाइम आपके जो भी पैकेज डिलीवरी या पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। सामने जो आप एरिया देख रहे हो ये मेरे अपार्टमेंट, मेरे रूम के सामने का एरिया है। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो 1800, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। और ये मेरा बैकयार्ड है। बैकयार्ड में बेसिकली यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था बीबीक्यू सेक्शन, स्विंग्स रहते हैं, और यहाँ पे मशीन कुछ रहते हैं जो कि हमारे हीटिंग मशीन होते हैं, गैस मशीन होते हैं या फिर वाटर मशीन होते हैं। ये सारे आउटलेट जितने भी कनेक्शन हैं ये बैकयार्ड में ही मशीन सारे रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।